5, 4, 3, 2. Hello everyone. Today we are going to start journal entry. Last 2 lecture में हमने retain bill and discounting bill का journal entry हमने क्या किया है, complete किया है. Now today we are going to start journal of when bill is endorsed or when bill sent to bank for collection. That means what? आपको पता है जब drawer क्या करता है, bill draw करके किसको देता है, drawee को. drawee क्या करता है, bill को accept and accept करके क्या कर देता है, return. तो bill किसके पास होता है, drawer के पास. एंड ड्रॉवर उस बिल के साथ कितने इफेक्ट कर सकता है, बोलिए आपको पता है कितने इफेक्ट कर सकता है, 4 इफेक्ट. कौन कौन से? रिटेन कर सकता है, सेकेंड डिस्काउंट करा सकता है, थर्ड एंडोर्स करा सकता है, फोर्थ बैंक फॉर कलेक्शन को सेंड कर सकता है. जिसमें से हमने 2 कंसेप्ट अपने क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी. जिसने नहीं देखा रहेगा वो लास्ट के वीडियो देख सकते. Now, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, when bill is endorsed, drawer अगर बिल को इंडोर्स करता है, चलो ठीक है, तो इंडोर्स तो करता है, बट इंडोर्स करने के पहले इंडोर्स होता क्या है, इंडोर्स करते क्यों है, वो मैं आपको बता देता हूं. So, यहां पे इंडोर्स करने का मतलब है ड्रॉवर बिल को ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को. एग्जांपल देता हूं, देखेंगे यहां पे. फॉर एग्जांपल, मैं ए, आप बी. मैं ए ड्रॉवर, आप ड्रॉइंग. करेक्ट है. मैंने सेल किया, आपने क्या किया, परचेस किया. आप मुझसे क्रेडिट मांगते हो, मैंने आपको क्रेडिट किया और इसीलिए मैंने आपके ऊपर क्या ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया. तो मैं ड्रॉवर हो जाता हूं, आप कौन हो जाते हैं, ड्रॉई हो जाते हैं. आप मुझे पैसे देने वाले हो बाद में, वेल एंड गुड. बट आप सोचो ना, मैंने आपको सेल किया, मैंने भी तो किसी से परचेस किया है ना. अगर मैं सेल कर रहा हूं, दैट मीन्स व्हाट, मैंने भी क्या किया रहेगा आपको, गो, है ना. अगर मैं सेल कर रहा हूं मतलब मैंने भी किसी से परचेस किया रहेगा, मैंने इससे परचेस किया रहेगा और मैंने आपको क्या किया, सेल किया. नाउ आप मुझे पैसे देने वाले हो तो मुझे भी किसी को पैसा देना है, मुझे एक्स को पैसा देना है. एक्स कौन हो गया, हमारा सप्लायर, ये मेरा क्रेडिटर है. तो मैं किससे परचेस करता हूं, एक्स से, और किसको सेल करता हूं, बी को. मैं कौन हो गया, ड्रॉवर. मैंने आपको सेल किया, आप मुझे पैसे देने वाले हो और मैं किसको पैसा देने वाला हूं, एक्स को. आप मुझे 2 महीने के बाद पैसे देने वाले हो, मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अचानक समझिए, अगर एक्स आ गया मेरे पास पैसे मांगने के लिए, ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरा सप्लायर है, तो मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे. सो ऐसे केस में अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो आपने जो बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे दिया था वो बिल मैं क्या कर सकता हूं, इसको ट्रांसफर कर सकता हूं. दैट इज कॉल्ड एज इंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंड इन बिल इंडोर्स, जब बिल को हम क्या करते हैं, इंडोर्स करते हैं, तो अब 2 पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा ए. दैट इज, एक हो जाता है इंडोर्सर और एक हो जाएगा इंडोर्सी. तो इंडोर्सर कौन होता है, ड्रॉवर. द पर्सन हु एंडोर्स द बिल, द पर्सन हु ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ बिल. जो बिल का ओनरशिप क्या करता है, ट्रांसफर कर रहा है. तो यहां पे ड्रॉवर क्या कर रहा है, बिल का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, किसको, एक्स को. तो ए हो जाएगा इंडोर्सर. एंड जिसके फेवर में बिल क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं, वो कौन हो जाता है, एंडोर्सी. एंडोर्सर एंड इंडोर्सी मींस व्हाट, इंडोर्समेंट में कितने पार्टी होते हैं, 2. एक हो जाएगा एंडोर्सर, दूसरा कौन हो जाएगा, इंडोर्सी. द
दैट मीन्स इंडोर्सर कौन होता है, द पर्सन हु ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ बिल, दैट इज ड्रॉवर। एंड जिसके फेवर में हम क्या करते हैं, बिल इंडोर्स करते हैं, द पर्सन ऑन हुम फेवर द बिल इज इंडोर्स, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्सिंग। सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। वापस एक बात देखिए, आप मुझे पैसे देने वाले हैं, ठीक है, बट मैं भी तो गुड्स कहीं से सेल करता रहूंगा, तभी तो परचेस करूंगा। तो मैं जहां से परचेस करता हूं वो मेरा सप्लायर, वो मेरा क्रेडिटर है। आपका क्रेडिटर मैं हूं, सॉरी आपका क्रेडिटर मैं हूं, मेरा क्रेडिटर वो है। आप मुझे पैसे देने वाले हो, मैं उसको पैसे देने वाला हूं। तो मैंने क्या बोल दिया आपको, ये बिल मैंने ओनरशिप इसको ट्रांसफर कर दिया एंडोर्सिंग को। और बिल इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बिल के पीछे इसका नाम लिखा रहेगा नॉर्मली, और जिसके पास बिल है उसको आपको पैसे देने हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्सिंग। तो यहां पे हम अपने बिल का ओनरशिप क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। सो देखेंगे आगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी। होप आपको व्हेन बिल इज इंडोर्स, जब हम बिल को इंडोर्स करते हैं तो उसका कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ बिल टू द थर्ड पार्टी। नाउ जब हम बिल को इंडोर्स करते हैं, वापस देखेंगे ड्रॉवर ड्रॉइंग एंट्री स्टार्ट कर रहे हो। ड्रॉवर क्या करता है, सेल करता है, ड्रॉइंग क्या करता है, परचेस करता है, फिर ड्रॉइंग क्रेडिट पीरियड मांगता है, ड्रॉवर क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है, बिल ड्रॉ करके किसको दे देता है, ड्रॉइंग को, एंड ड्रॉइंग एक्सेप्ट करके बिल क्या करता है, रिटर्न कर देता है। बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास, एंड ड्रॉवर इस बिल के साथ कितने पे कर सकता है, 4। रिटेन कर चुके, डिस्काउंट कर चुके, आज बिल को क्या कर रहा है, एंडोर्स, दैट मीन्स वॉट, ड्रॉवर अपना ओनरशिप क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर देता है, एंडोर्स कर देता है इसको, एंडोर्सी को। तो ऐसे केस में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जिसको मुझे पैसे देने हैं, जो मेरा क्रेडिटर है वो मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ रहेगा, तो मैंने क्या कर दिया, वो भी उसको दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज इंडोर्समेंट। मतलब जो बिल पहले मेरे पास था, जिसका बिल का ओनर कौन था, मैं था, ये बिल मैंने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, मतलब किसको दे दिया मैंने, उसको एंडोर्सी को, दैट इज कॉल्ड एज व्हेन बिल इज इंडोर्स, बिल को क्या कर दिया आपने, इंडोर्स कर दिया। आप बताइए बिल मेरे पास था तो ड्रॉवर के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, कुछ आ रहा है यहाँ पे, नहीं सर ऑलरेडी हमने पैसे लिए थे इससे, पैसे लिए थे तभी तो आया वो हमारे पास पैसे मांगने के लिए, तो हमने बिल उसको दे दिया। अब जब ड्यू डेट आएगा तो ये इंडोर्सिंग किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा पैसे लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पे ड्रॉवर ने क्या किया, बिल को ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री अगर हम सोचेंगे तो आप बताइए ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या होगी, सेल की परचेस की दो बार एंट्री करा चुका, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे बिल हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। रियल अकाउंट आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट बताया था, बिल के बारे में असेट्स है, जा रहा है रियल अकाउंट, डेबिट वॉर्ड कम्स इन क्रेडिट वॉर्ड गोज आउट। बिल जा रहा है तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रहा है, एंडोर्सी के पास जा रहा है। एंडोर्सी कौन, थर्ड पार्टी इंसान है वो भी, जिससे हमने पैसे लिए थे, जिससे हमने गुड्स परचेस किए थे। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिल मैं दे रहा हूं और एंडोर्सी क्या कर रहा है, ले रहा है। तो मेरे पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, एंडोर्सी के पास जा रहा है। बिल जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रहा है, एंडोर्सी के पास जा रहा है। एंडोर्सी कौन है, हमारा क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, मींस व्हेन बिल इज इंडोर्स। अगर मैं आपको बोलूं when bill is endorsed, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या देखिए, वापस देखिए मेरे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल गया। रियल अकाउंट, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो बिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किसके पास जा रहा है, इंडोर्सी। एंट्री होती है हमारे बुक में, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जस्ट थोड़ा सा और क्लियर दिखने के लिए रख दिया, और कोई रीजन नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये किसकी बुक पे एंट्री हो गया? ड्रॉवर के। नर्शन बिंग बिल इंडोर्स, बिंग बिल इंडोर्स। और मैंने आपको बताया इंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग द ओनरशिप टू द थर्ड पार्टी। ये किसकी बुक में एंट्री हो गया? ड्रॉवर के बुक में। आप देखिए तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या होगी? अगेन डिस्काउंटिंग में ड्रॉवर की बुक में एंट्री नहीं होती है, वैसे ही इंडोर्स किया तो भी आप देखिए ना, ड्रॉवर को कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? ड्रॉवर एंड इंडोर्स या इंडोर्सर एंड इंडोर्स, ये दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें ड्रॉई का कोई भी लेना देना नहीं है। दैट मीन्स वो ड्रॉई के बुक में नो एंट्री, ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसका लेना देना नहीं है, ड्रॉई का कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है। जब ड्रॉई का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो ड्रॉई के बुक में एंट्री नहीं होगी। चलिए यहां पर बिल हमने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने के बाद हमारा काम खत्म हो गया। अभी बिल का ओनर को हमने एंडोर्स दी। अब हम नॉर्मली किसका वेट करते हैं? आप सबको पता है किसका वेट करते हैं? ड्यू डेट का। और ड्यू डेट को कितनी बातें हो सकती हैं? सबको पता है कितनी बातें हो सकती हैं? दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं? दो। कौन कौन सी? या तो बिल हॉनर्ड होगा या तो बिल क्या होगा? डिसऑनर्ड होगा। इफ एंडोर्स बिल इज हॉनर्ड और इफ एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड। सो देखेंगे यहां पे, इफ एंडोर्स बिल इज हॉनर्ड if endorsed bill is honored, अगर हमारा endorsed bill क्या होता है? honored होता है, तो क्या entry होगी हमारी? If endorsed bill is honored, अगर हमारा endorsed bill क्या होता है? honored होता है, तो देखिए क्या होगा? If endorsed bill is honored, वापस ड्रॉवर ने ऑलरेडी पैसे लिए थे या हमने गुड्स परचेज किया था किससे? थर्ड पार्टी से। हमने उसको पैसे दे रहे थे तभी तो आया था हमारे पास पैसे लेने के लिए। मीन्स वॉट? यहां पे मुझे पैसे नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने पैसे लिए थे। यहां पे हमने क्या किया? सेटलमेंट कर लिया। एक्स आया था हमारे पास पैसे मांगने के लिए, हमने क्या किया? उसको बिल दे दिया, सेटलमेंट कर लिया। नाउ ड्यू डेट को आप बोलिए ये एक्स, ये एंडोर्सी किसके पास जाएगा? ट्रॉई के पास। देखा था आपने। और ट्रॉई को क्या दे देगा? बिल। एंड आप बिल लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल में कंफ्यूजन होगा आपके लिए। क्या आएगा इसके पास? बिल। और ट्रॉई इसके बिहाफ में इसको क्या दे देगा? कैश। देख लीजिए, मैंने बताया था कि ट्रॉई के बुक में हॉनर एंड डिसहॉनर एंट्री ऑलवेज सेम होती है। ड्यू डेट को एंडोर्सी किसके पास दिया? ड्रॉई के पास। ड्रॉई को क्या दिया? बिल। एंड ड्रॉई इसको क्या दे दिया? कैश। अगर ऐसा होता है तो बिल इज हॉनर, ऐसा हुआ तो बिल इज हॉनर। और यहां पे देखिए एंट्री सिर्फ किसकी बुक में होगी? ड्रॉई के बुक में होगी और एंडोर्सी अपने बुक में करेगा बिकॉज एंडोर्सी को भी पैसा मिल गया। अगर पूछा रहेगा तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। एंट्री किसके बुक में होगी? ड्रॉई के बुक में। नाउ ड्रॉई के बुक में अगर आप सोचेंगे तो ऑलवेज क्या आ रहा है? बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है। बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है। हमने बार बार देखा यही एंट्री होती है। ड्रॉई के पास क्या आता है? बिल आता है, पैसा जाता है। तो ड्रॉई के बुक में एंट्री, इफ एंडोर्स बिल इज हॉनर, तो सिर्फ एंट्री किसके बुक में होगी? ड्रॉई की बुक में होगी, ड्रॉवर के बुक में नहीं होगी बिकॉज ड्रॉवर ने क्या किया? सेटलमेंट किया। इसने ऑलरेडी पैसे दिए थे या गुड्स परचेज किया था, इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहां पे पैसे किसको मिलेंगे? एंडोर्सी को, और एंडोर्सी रख लेगा बिकॉज उसको लेना था किससे? ड्रॉवर से। नाउ एंट्री यहां पे सिर्फ किसके बुक में होने वाली है? ड्रॉई के। और ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होगी? बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है। बोथ आर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन? बिल कम्स इन। व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। एंट्री क्या रहेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है।
बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये एंट्री सिर्फ किसके बुक में होगी? ड्रॉई के बुक में, एंड ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री एंड नरेशन होगा बिल। बिल इज ऑनर, अवर एक्सेप्टेंस इज ऑनर, बिल इज ऑनर, टेक बिल इज ऑनर। ये कौन सी एंट्री होगी? ऑनर की। अगर ड्यू डेट को बिल क्या होता है? ऑनर हो जाता है तो ही एंट्री होती है हमारी, देख लीजिए। इसके बाद आपको पता है कि इन है ना, पता है आपको कि ड्यू डेट को कितनी बातें हो सकती है? दो। एक तो हो गई क्या, इफ इंडोर्स बिल इज ऑनर, अगर ऑनर हुआ तो एंट्री सिर्फ किसके बुक में होती है? ड्रॉई के बुक में, बिकॉज यहां पर देखिए डिस्काउंटिंग के केस में भी ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री, बिकॉज डिस्काउंटिंग के केस में ऑलरेडी पैसा मिल गया था। एंडोर्सी के केस में भी ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री, बिकॉज ऑलरेडी हमने बुक्स लिए हैं या तो पैसे लिए हैं उस थर्ड पार्टी से, तभी तो हमने उसको क्या दिया था? बिल दिया था, तो हमारे बुक में एंट्री नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट हमारा केस है इफ एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड। अगर आपका एंडोर्स बिल क्या होता है? डिसऑनर्ड होता है। इफ एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड, अगर आपका एंडोर्स बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड होता है। तो सर डिसऑनर्ड हुआ तो क्या होगा? सेम केस याद होगा आपको, डिसऑनर्ड हुआ दैट मीन्स व्हाट? वापस देख लीजिए, ये ड्रॉवर ड्रॉइंग एंड कौन है यहां पे? एंडोर्स। सिंपल, बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। ड्यू डेट को पैसे भी कौन जाएगा? एंडोर्सी। देखिए एंडोर्सी जा रहा है बिल लेकर किसके पास? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तभी तो बिल क्या होता है? डिसऑनर होता है। जब एंडोर्सी को ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो एंडोर्सी वापस आता है किसके पास जाता है? ड्रॉवर के पास। वापस देखिए, ड्यू डेट को एंडोर्सी क्या किसके पास? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने पैसे दिए नहीं दिए तो एंडोर्सी वापस आएगा किसके पास जाएगा? ड्रॉवर के पास, और ड्रॉवर से अपने पैसे ले लेगा, इतना दिन नहीं रुकेगा वो इनका आपस का सेटलमेंट पे। उसके बाद ड्रॉवर वो बिल लेकर किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। सो आपको पता उसके बाद स्टोरी वही होगा, ड्रॉई बोलेगा सर मेरे पास पैसे नहीं थे, ये वो है प्रॉब्लम, तो वहां पे कैंसिलेशन की एंट्री होगी, पार्ट पेमेंट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, आपको पता है चार एंट्री होने के चांसेस होते हैं। सो वापस देखो, इफ एंडोर्स बिल इज डिसऑनर्ड तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री किसके बुक में करनी? फ्रॉम जो एग्जांपल ड्रॉवर के बुक में एंट्री करनी है, तो अगर मैं ड्रॉवर की तरफ सोचू तो मैंने डिस्काउंटिंग केस में ऐसे ही सोचने के लिए बोला था। वापस एक बार देख लो आप, बताओ ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। बोलिए ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। कौन दे रहा है? एंडोर्सी। और ड्रॉवर किसको दे रहा है? ड्रॉई को। वापस देखिए, एंडोर्सी ड्यू डेट को किसके पास गया? ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने पैसे दिए नहीं, एंडोर्सी वापस किसके पास आएगा? ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर उसका बिल दे देगा, रखो अपना बिल अपने पास, पैसे नहीं दिए उसने ना। उसके बाद ड्रॉवर वो बिल लेकर किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। तो आप बताओ एंट्री अगर मुझे ड्रॉवर के बुक में करना है, हम ड्रॉवर है तो हमारे बुक में हमारा नाम तो आएगा नहीं, तो आप बताइए ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होगी? बोलिए तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। कौन दे रहा है? एंडोर्सी। और ड्रॉवर ने वो बिल किसको दिया? ड्रॉई को। तो अगर मैं ड्रॉई और एंडोर्सी की बात करूं तो आपको ऐसे बताता हूं, वहां पे कौन हो जाएगा? बोथ आर दी पर्सनल अकाउंट। हम सोच रहे हैं अपनी तरफ से, हमारे पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। कौन दे रहा है? एंडोर्सी। एंड हम किसको दे रहे हैं? ड्रॉई को। तो पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉई भी पर्सनल अकाउंट है, एंडोर्सी भी पर्सनल अकाउंट है। बोलिए बिल का ऑनर कौन था इस समय? एंडोर्सी। ना बोथ आर दी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप बताइए आपको देने वाला कौन है? एंडोर्सी। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट रहेगा, और लेने वाला कौन है? ड्रॉई। क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारी कैंसिलेशन की एंट्री हमारे बुक में, ड्रॉवर की बुक में एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। देखें यहां पे लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट किसके बुक में? ड्रॉवर बुक में। दर्शन क्या होगा? बिल इज डिसऑनर्ड।
बैंक बैलेंस डिसऑनर। यही सेम एंट्री आप बताइए ड्रॉइंग के बुक में क्या हो गया? आपको पता था ड्रॉइंग के बुक में ऑलवेज एक ही एंट्री होती है, ड्रॉइंग ओनली नोज टू ड्रॉ। आप बताइए अगर मैं ड्रॉइंग की तरफ सोचू तो बोले ड्रॉइंग के पास क्या आ रहा है सर? ड्रॉइंग के पास बिल आ रहा है, कौन दे रहा है? ड्रॉवर। ड्रॉइंग ओनली नोज टू ड्रॉवर, तो ड्रॉइंग के पास क्या आ रहा है? बिल। कौन दे रहा है? ड्रॉवर। रिवर्स वाली एंट्री आपको बताता है, एंट्री क्या हो जाएगा आपका? दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉइंग के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है। ड्रॉइंग बोलेगा बिल आ रहा है, कौन दे रहा है? ड्रॉवर। बिल आ रहा है तो डेबिट, कौन दे रहा है? ड्रॉवर। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ड्रॉइंग के बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नरेशन बिंग बिल दिस ऑनर, बिंग बिल इज दिस ऑनर, यहां पर बिल क्या हो गया आपका? दिस ऑनर हो गया। नाउ ये ऑनर एंड दिस ऑनर की एंट्री क्या हुई? कंप्लीट हुई किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। यहां पे मैंने सिर्फ तीन एंट्री करा, सेल और परचेस की एंट्री नहीं करा। सेल और परचेस करने के बाद बिल ड्रॉ करने की एंड एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री नहीं किया। अदरवाइज इसके पहले कौन सी एंट्री होती है? पहला सेल की एंट्री होती है, परचेस की एंट्री होती है। सेल्स की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेस की एंट्री क्या होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग ड्रॉवर अकाउंट। सेल्स की एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग टू सेल्स। परचेस की एंट्री परचेस टू ड्रॉवर। फिर उसके बाद एक और एंट्री होती है एक्सेप्टेंस रिसीव की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग के बुक में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां पे सिर्फ तीन एंट्री कराना है। When bill is endorsed, endorsed bill is honored and endorsed bill is dishonored. इसके बेस के हमको क्या करना रहेगा? प्रॉब्लम करना रहेगा ना। इसके बाद आपको पता है whenever bill was dishonored, जब भी bill क्या होता है? dishonored होता है। थ्री और फोर एंट्री होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट कैंसिलेशन, सेकेंड पार्ट पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ न्यू बिल। वो एक कंसेप्ट, एक लेक्चर उसके लिए लूंगा मैं, डोंट वरी। When bill is dishonored, नोटिंग चार्जेस पे करना रहता है, उसका भी एंट्री मैं कराऊंगा उसी में एक ही साथ। नाउ फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ यहां पर। ये कौन सा हो गया हमारा? व्हेन बिल इज इंडोर्स। होप आपको समझ में आ रहेगा, कोई डाउट है तो बाद में क्लियर करेंगे। नाउ अगर बिल इंडोर्स हो गया, इंडोर्स करने के बाद हमारा खत्म। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा है व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सर ये बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है? सो मैं आपको बता देता हूं, एज अ बिजनेस मैन अगर हम बिजनेस करें तो साल में एक बिल तो आएगा नहीं, हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ बिल रहते। अभी नंबर ऑफ बिल रहते तो किसका ड्यू डेट कभी है, किसका ड्यू डेट कभी आने वाला है, कौन सा जाके हम लोग वहां पे है ना डिस्काउंट कराएंगे, या कब जाके हमको पैसे लेने, इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना, इतना याद रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, बैंक हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? जो अपने बिल है वो हम किसको सेंड कर देते हैं या दे देते हैं? बैंक को। एंड बैंक एज अ सेकेंडरी सर्विस हमको पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है, हमारे जितने बिल है सबका ड्यू डेट का ना डेट याद रखना, ड्यू डेट को जाकर बैंक से ट्रॉई से पैसे कलेक्ट करना। ऐसे केस में क्या होता है? बैंक हमको हेल्प करता है। प्लस अगर ड्रॉइंग हमारा लॉन्ग डिस्टेंस पे, हमारे पास इतना टाइम दे रहेगा वहां पे जाने के लिए, सो ऐसे केस में भी बैंक हमको क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? अपने बिल को सेंड करते हैं किसको? बैंक को। फॉर व्हाट? फॉर कलेक्शन। और बैंक उसके बिहॉफ में क्या करती है? हमारे बिहॉफ में क्या करती है? ड्रॉइंग के पास से जाकर पैसे कलेक्ट करके लेके आती है। बट बैंक हमको सर्विस दे रही है तो डेफिनेटली बैंक हमसे क्या लेगी? सर्विस चार्ज लेती है। और जो बैंक हमसे सर्विस चार्ज लेगी वो हमारा एज अ लॉस दिखा सकते हैं, लॉस होता है। 10,000 का बिल है, बैंक कलेक्ट करके लेके आई तो बैंक हमसे 100 रुपीज 200 रुपीज का ले लेती है, चार्ज लेती है। तो वो 100 और 200 रुपीज जो चार्ज लेंगी वो हमारा क्या होता है? लॉस। एंड लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। होप आपको समझ में आएगा व्हेन बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बहुत सारे नंबर ऑफ बिल होते हैं सो हम ये सारी जो बिल कलेक्शन का काम होता है किसको दे देते हैं? बैंक को। और बैंक हमारे बिहॉफ में क्या करता है? कलेक्शन का काम करता है। और कलेक्शन करने के बिहॉफ में क्या लेता है? चार्ज लेता है, वो हमारा लॉस है। बट हमारा टेंशन, हमारा हैडक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बैठे बैठे आपका सारा काम आपके कौन प्रोवाइड, कौन देता है आपको सर्विस? बैंक आपको सर्विस देती है। सो देखेंगे एक बार वापस वही ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग।
ड्रॉइंग सिंपल, आपको पता है ड्रॉअर क्या करता है, सेल करता है, ड्रॉइंग क्या करता है, परचेस करता है। तो ड्रॉअर के बुक पे कौन सी एंट्री होगी, सेल्स की, ड्रॉइंग के बुक पे कौन सी एंट्री होगी, परचेस की। नाउ ड्रॉअर क्या करता है, फिर बिल ड्रॉ करता है किसके ऊपर, ड्रॉइंग के पास। ड्रॉइंग क्या करता है, बिल को एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके रिटर्न। तो बोलिए ड्रॉअर के पास बिल है, बिल किसके पास है, ड्रॉअर। ड्रॉअर बिल के साथ कितने फैक्ट कर सकता है, सबको पता है, बार बार रिपीट किया, बोलिए कितने फैक्ट कर सकता है। यस यस एकदम राइट, मैं नहीं बताऊंगा कितने फैक्ट, यस चार ना। वो चार फैक्ट कौन, पहला रिटेन कर सकता है कीपिंग द बिल विथ हिमसेल्फ, अपने पास रखेगा। दूसरा डिस्काउंट करा सकता है, तीसरा आपने अभी किया एंडोर्स कर सकता है, और चौथा हम करने जा रहे हैं क्या कर सकते हैं, हम बिल को सेंड कर देंगे किसको, फॉर बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन बीएफसी, मैं फुल फॉर्म लिख देता आपको, सेंटर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, देखिए ऊपर लिखा मैंने सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, ये नाम बैंक फॉर कलेक्शन है, बट ये एक्चुअली क्या होता है, बैंक होता है। हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमको क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो देखिए ड्रॉवर के पास बिल है, बिल का ड्रॉवर कौन होता है, बिल का ओनर कौन होता है, ड्रॉवर। नाउ ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया, बैंक को। देखिए तीनों केस में, जब मैं डिस्काउंट करा रहा था तो भी बिल किसके पास जा रहा था, बैंक के पास। जब मैं इंडोर्स किया था तो भी बिल जा रहा था, और इस केस में भी हमारे पास से क्या जाएगा, बिल जा रहा है। मतलब तो तीनों केस में बिल जा रहा है, रियल अकाउंट डेबिट फॉर कम्स इन, क्रेडिट फॉर गोज आउट। बैंक के पास जा रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट वाला बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्स किया तो आपने देखिए एंट्री किया हमने, एंडोर्स किया अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बेटा आपको अभी एंट्री समझ में आ गया है, इस समय बिल किसके पास जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमारे पास से बिल जा रहा है किसके पास जा रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, ये बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो ये डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, तो बिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। होप आपको एंट्री समझ में आ गया रहेगा। वापस देखिए हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, रियल अकाउंट डेबिट फॉर कम्स इन, क्रेडिट फॉर गोज आउट। किसके पास जा रहा है, बैंक, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बनती है हमारी। सो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा वहां पे, वेयर बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, When bill sent to bank for collection, when bill is sent to bank for collection, चलिए bill sent to bank for collection, वापस एक बार देखिए बिल का ओनर कौन होता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया, बैंक को, फॉर व्हाट, फॉर कलेक्शन। आप बताइए हमारे पास से क्या जाएगा, बिल जाएगा किसके पास जाएगा, बैंक के पास। बिल जा रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, बिल क्रेडिट हो जाएगा। किसके पास जा रहा है, बैंक, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बोलिए हमारे पास क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, तो बैंक फॉर कलेक्शन, या बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नाउ नरेशन बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये हमारा एंट्री हो गया किसके बुक में, ड्रॉवर के बुक में। अगेन देखिए ना वापस से डिस्काउंटिंग केस में, जब हमने डिस्काउंट कराया था ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं, ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। जब हमने इंडोर्स कराया था, आज इंडोर्स कराया तो भी ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं, ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। सेम यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर एंड बैंक, दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉई का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, दैट मीन्स वॉट, ड्रॉई के बुक में क्या हो जाएगा, नो एंट्री, ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। रीजन, ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं है, ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉवर एंड बैंक। नाउ बिल हमने सेंड कर दिया बैंक फॉर कलेक्शन, अगेन चुपचाप बैठेंगे हम किसका वेट करेंगे, हम लोग ड्यू डेट का। अब ड्यू डेट को सबको पता है कितनी बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है, या तो बिल क्या होगा हॉनर, या तो बिल क्या होगा डिसहॉनर। तो देखते हैं
नहीं, आप बताइए कि बिल किसके पास है, बैंक और कलेक्शन के पास है या बैंक के पास है? ड्यू डेट को पैसे लेने के लिए कौन जाएगा? बैंक। पता है आपको, बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ ड्यू डेट को बैंक जाएगा किसके पास? ड्राई के पास। ड्राई को क्या देगा? बिल। ड्राई को क्या देगा? बिल। और ड्राई इसके बिहॉक में इसको क्या देगा? कैश। यहां पे स्टोरी थोड़ा सा चेंज हो रही है। देखिए, बैंक ने इसको बिल दे दिया और ड्राई ने इसको क्या दे दिया? कैश। अभी तक केस में देखो, जब हमने डिस्काउंट कराया था तो ड्रॉअर के बुक में नो एंट्री, एंडोर्स कराया तो वापस देखो ड्रॉअर के बुक में नो एंट्री, ऑर्डर की एंट्री बोल रहा हूं। तो क्या आपको क्या लगता है कि बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन के बुक में भी ड्रॉअर के बुक में एंट्री नहीं होगी? यही एक ऐसा केस है, यही एक ऐसा केस है जहां पे ड्रॉअर के बुक में भी एंट्री होगी। रीजन, द नेम इंडिकेट बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बिल दिया है किसको? बैंक को। क्या करने के लिए? कलेक्शन। तो कलेक्शन मतलब क्या? नाम से मालूम पड़ रहा है कि हमने बिल दिया किसको? बैंक को, कि जाओ कलेक्ट करके लेकर आओ। तो क्या बैंक कलेक्ट करके लाके अपने पास रख लेगा? हमको नहीं देगा। समझिए, आपके फ्रेंड से पैसे लेने हैं मुझे, मैंने आपको बोला कि आप जाओ अपने फ्रेंड से एक्स्ट्रा जेड नाम उससे पैसे लेकर आओ, मुझे दे दो। तो आप क्या लेकर खुद रख लोगे? आप नहीं, आप लाकर मुझे दोगे। हाँ, लेकिन आने जाने का चार्ज लोगे आप मुझसे। चलो बोले सर रिक्शे का पैसा दे दो, ऑटो का पैसा दे दो, ट्रेन का है ना फेयर दे दो। तो ऐसे केस में यहां पर भी हमने बिल किसको दिया? बैंक को। क्या करने के लिए? कलेक्शन करने के लिए। तो बैंक यहाँ पे मीडिएटर का काम कर रहा है। बैंक जाएगा, पैसे कलेक्ट करके लाएगा और लाकर हमको रिफंड करेगा। मतलब यहाँ पे दोनों के बुक में एंट्री होने वाला है, ड्रॉवर के बुक में भी एंट्री होगा, ड्रॉई के बुक में। बट मैंने आपको बताया था कि बैंक हमको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो इसके बिहॉक में हमसे क्या लेगा? सर्विस चार्ज लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 का बिल है तो अगर उसने 100 रुपीज चार्ज ले लिया तो हमको कितना देगा? 9,900 देगा। कितना देगा? 9,900। एक नॉमिनल चार्ज बैंक क्या करती है? चार्ज करती है, ज्यादा चार्ज नहीं करती। बैंक हमको क्या प्रोवाइड करती है? सर्विस। और उसके भी ऑफ में क्या लेते हैं हमसे? सर्विस चार्ज। ना तो आप बोले ना बिल पहले हम ड्रॉई के बुक में एंट्री कर रहे थे। ड्रॉई के बुक में कॉमन एंट्री, ये वाली देखिए, ड्रॉई के बुक में कॉमन एंट्री क्या जाएगा? बिल आएगा और कैश जाएगा। ड्रॉई के बुक में हमेशा एक ही एंट्री होता है, आपको पता है। रिटेन के केस में, डिस्काउंटिंग के केस में, एंडोर्सिंग के केस में एंड बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, हर जगह देखो बैंक किसके पास गया? ड्रॉई के पास। ड्रॉई को क्या दिया? बिल। ये बिल में हमेशा बिल बिल, और ड्रॉई ने इसको क्या दे दिया? कैश। तो एंट्री क्या रहेगा? व्हेन बिल इज ऑनर, व्हेन व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर। When bill sent to bank for collection, या bank for collection is honored। जब बिल को हमने क्या किया? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। तो ऑनर होगा तो क्या होगा? देखिए ना, ड्रॉइंग के बुक में ड्रॉइंग के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है, पैसा जा रहा है। सेम यही एंट्री, बिल आएगा, पैसा जाएगा। बिल से पेबल अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल इज ऑनर। ये हो गया ड्रॉइंग के बुक में एंट्री। ना यहां पे फर्स्ट टाइम एंडोर्स के केस में भी देखेंगे आप नो एंट्री, डिस्काउंटिंग के केस में नो एंट्री, बट बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन के केस में ड्रॉअर के बुक में भी एंट्री होगा। बिकॉज मैंने बताया कि आप ऐसा सोचोगे बैंक हमारा मीडिएटर का काम कर रहा है, ये जा रहा है हमारे बिहॉक में, पैसे कलेक्ट करके लाएगा और हमको रिटर्न कर देगा। इसके बिहॉक में हमसे क्या लेता है? सर्विस चार्ज। तो देखिए, हमको पैसे कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। कौन दे रहा है पैसा? बैंक। बट आप क्या आ रहा है आपके पास? कैश आ रहा है। और डिस्काउंट काटने के बाद बोले कैश कितना आ रहा है? देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, कैश 9,900, डिस्काउंट 100 रुपीज। और कौन दे रहा है आपको? बैंक फॉर कलेक्शन। अगर मैं यहां पे बोलू तो देखिए, बैंक फॉर कलेक्शन इज अ पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट। थोड़ा सा सोचेंगे आप लोग, बैंक कलेक्ट करके लाके आपको दे रहा है। तो हम अगर
ड्रॉवर की तरफ सोचेंगे तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश 10,000 आ रहा है, नहीं 9,900 आ रहा है, कैश आ रहा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन कैश, व्हाट कम्स इन कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये डिस्काउंट हमारा लॉस है, 100 रुपीज कम मिल रहा है हमको, आप बताए 100 रुपीज कम हमारा लॉस है, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो हमारा लॉस होता है डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये भी आपका डेबिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट है आपका 100 रुपीज का लॉस है, लॉस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ये भी लॉस हो जाएगा, और कौन दे रहा है, बैंक ऑफ कलेक्शन, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट की जगह पे हमको लिखना है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंटिंग कराते समय डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट नहीं है, बैंक हमको सर्विस दे रही है, इसके भी आपने क्या लिया हमसे चार्ज दे रही है, तो बैंक चार्जेस टू कौन दे रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा आप लिख सकते हैं, एग्जांपल तो मैंने आपका अमाउंट का लिखा ही है 9,900, 100, 10,000, नरेशन बिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड, नाउ होप आपको समझ में आ जाएगा हॉनर्ड का एंट्री, ये फर्स्ट टाइम है, देखिए डिस्काउंटिंग केस में वापस बता रहा हूं, डिस्काउंटिंग केस में हॉनर्ड की एंट्री नहीं होती है, एंडोर्सी के केस में हॉनर्ड की एंट्री नहीं होती है, बट बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन केस में हॉनर की एंट्री होती है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिसऑनर, व्हेन बिल इज डिसऑनर, व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर, सेम अभी डिसऑनर हो गया तो हमारा सेम वापस वही डायग्राम बनेगा जैसे हमने पहले कराया था, देख लो आप ड्रॉवर ड्रॉई एंड कौन है यहां पे, बैंक फॉर कलेक्शन, सिंपल डिसऑनर की एंट्री कर रहे हैं हम लोग, देखिए ड्यू डेट को बैंक किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे दिए क्या, नहीं, ड्रॉई वापस आएगा किसके पास जाएगा, ड्रॉवर, ड्रॉवर को बिल दे देगा, यहां पे तो इसको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, बट ड्रॉवर को बिल लेकर रिटर्न किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, और फिर भाई ड्रॉई वही हमारा स्टोरी में बना रहा, वो बोलेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, इतना ले लो इतना दे दो, तो वहां पे चार एंट्री होने के चांसेस है, बट यहां पे हमको कौन सा एंट्री सीखना है, कैंसलेशन, वापस देखो ड्यू डेट को बैंक किसके पास जा रहा है, ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे दिए नहीं, ड्रॉई वापस आएगा वो बिल लेकर किसको पास, ड्रॉवर के पास, ड्रॉवर को बिल दे देगा, और ड्रॉवर को बिल लेकर किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, आप बताए आपको एंट्री किसके रूप में करना है, ड्रॉवर, तो ड्रॉवर की तरफ सोचना, आप बताओ ड्रॉवर की तरफ से अगर मैं सोचू, सिंपल सोचना, तीसरी चौथी बार हो रही है, ड्रॉवर की तरफ सोचना तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, बिल, कौन दे रहा है, बैंक, ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, बिल, कौन दे रहा है, बैंक, बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो दे रहा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड हम किसको दे रहे हैं, ड्रॉई को, तो ड्रॉई कौन है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, अगेन तीनों केस में देखिए मैं यहां पे वापस एक बार, ये आपका है बैंक और कलेक्शन का केस है, डिस्काउंटिंग का केस करके दिखाता हूं, ड्रॉवर ड्रॉई बैंक, ये डिस्काउंटिंग का केस, एंडोर्सी का भी यहां पे करके दे जाता हूं आपको, ड्रॉवर ड्रॉई एंडोर्सी, तीनों केस में आप देखो, तीनों केस में हमें एंट्री होती है, देखिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंड ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, तीनों केस में
ड्रॉवर के बुक में, देखिए ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, सिंपल एंट्री हो जाएगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने बताया था ड्रॉई के बुक में डिसऑनर की एंट्री ऑलवेज एक ही होती है, ड्रॉई के बुक में हमेशा बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बट ड्रॉवर के बुक में क्या होता है किस जैसा चेंज होगा वैसा एंट्री, अगर डिस्काउंटिंग का है तो ड्रॉई टू बैंक, इंडोर्सी का है तो ड्रॉई टू इंडोर्सी, और बैंक फॉर कलेक्शन है तो ड्रॉई टू बैंक फॉर कलेक्शन। हो आपको सबको समझ में आ रहेगा, नहीं आए तो देख लो आप, एंट्री हो जाएगा हमारा डिसऑनर का ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिंग बिल कैंसल और बिंग बिल इज डिसऑनर, बिंग बिल इज डिसऑनर एंड ड्रॉई के बुक में ऑलवेज एक ही एंट्री थी, बोलिए ड्रॉई के पास क्या आ रहा है बिल, कौन दे रहा है ड्रॉवर, यहां पे भी ड्रॉई के पास क्या आ रहा है बिल, कौन दे रहा है ड्रॉवर, यहां पे भी ड्रॉई के पास क्या आ रहा है बिल, कौन दे रहा है ड्रॉवर, ड्रॉई ओनली नोस टू ड्रॉवर, ड्रॉई सिर्फ इसको जानता है ड्रॉवर को, तो ड्रॉई के बुक में हमेशा एक ही एंट्री होगा बिल आ रहा है ड्रॉवर दे रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिंग बिल इज डिसऑनर, बिंग बिल इज डिसऑनर। नाउ होप आप सबको ये पूरा जर्नी समझ में आ रहेगा, कौन सा व्हेन बिल इज एंडोर्स, एंडोर्स बिल हॉनर्ड और डिसऑनर, और व्हेन बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड सेम बिल, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन इज हॉनर्ड और डिसऑनर्ड। नाउ ऑलरेडी पहले मैंने क्या कराया आप लोगों को, रिटेन बिल कराया था उसका प्रॉब्लम कराया, एंड डिस्काउंटिंग बिल कराया उसका प्रॉब्लम का एग्जांपल कराया, आज मैंने आपको कराया इंडोर्स बिल एंड बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर डिसऑनर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इन दोनों के बेस पे क्या करने वाले, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले ऑनर एंड डिसऑनर के। वो दो लेक्चर होने के बाद एक लेक्चर और लूंगा जिसमें नोटिंग चार्जेस, कैंसिलेशन का, तो तीनों एंट्री चारों एंट्री कौन सी होती है वो, और एक लास्ट केस हमारा रिटायरमेंट का और व्हेन ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट,